वो डोर हमारा होने जा रहा है बंद, ठीक है, हो गया सी कमरे की चोर बंद। और विनी तू क्या कह रहा था कि आराम से सो रहा है, कोई तंग नहीं करता आपको, ठीक है। आज एक काम करेंगे, सारे जाते हैं इसको साथ में उठाएंगे, ठीक है, तो ये भी उठेगा देखेगा फिर, ठीक है। हाँ एक काम करते हैं, ठीक है, मैं ना सो जाता हूँ, ठीक है, तो तुम ना मेरे को ना उठाना मत फिर, ठीक है, सुबह उठाना, ये खेलते हैं ऐसे, ठीक है। अगर जिसने मेरे को उठाया ना वो हार गया। इतना छोटा नहीं हूँ मैं अभी। कि समझ ना आए उसको सही में, इतना छोटा बच्चा नहीं है। ये देखो इतनी लंबी मैं क्या लाया था, अपना फोन भी उठा लिया है। तेरे को कहा था ना फोन नहीं उठाना, ये कब उठाया? ये मैंने छुपा लिया था। लेकिन हम नाइट चैलेंज कर रहे थे बच्चे, फोन की जरूरत रात को क्या जरूरत, ऐसे नहीं पड़ेगी। चार्जर लाया इसका? चार्जर तो होएगा, चार्जर अंदर पड़ा होगा। नाइट रूटीन का 24 24 नहीं कर रहे थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है 24, हम उनको नाइट रूटीन दिखा रहे थे, तो इसलिए हमने नाइट रूटीन। अभी वो देखो आपको टाइम दिख रहा होगा 120 हुआ है बस, वो ये खेले ऐसे बोल मार दिए। नहीं हम ये बफी को आदत डाल रहे हैं गाड़ी में बैठने की। बफी की छोटी सी गाड़ी। मेरे को समझ में नहीं आता। और बच्चे भी ना ऐसे पिकनिक के मूड में हैं, जैसे सोना ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई कुछ ही। चलो अभी तेरी सुनाते इसको। ये सो गया। सो गया, टाइम हो गया, अब निकल आया। खाने का सामान ऐसे लिया जैसे हम पता नहीं कितने 12 दिन रहने आए हैं। आपको ही लग रहा था ना कम ना हो जाए। अब हमारी चालू हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये सोने देगा नहीं, पर मैं करूँगा अब एडिटिंग बैठ के, क्योंकि इसने सोने तो देना नहीं है, ठीक है। बच्चे सो जाएंगे और बस यही है रोटी, देख लो। हेलो गाइस, बच्चे अब सो चुके हैं, इनको सुलाने में इतना टाइम लग गया है कि देखो टाइम देखो 5:15 होने वाले हैं। ये भी आज अपनी मस्ती में ही थे, और जिसके लिए हमने ब्लॉग शूट करना था पूरी रात का सिस्टम ना है, वो देखो महाराज आज मेरी जगह पे कैसे आराम से सो रहे। इसने हमारी बेइज्जती करवानी थी, 2-3 दिन से तंग कर रहा था, लेकिन आज जब हमने सोचा कि इसकी तंग तंतियों को हम लाएं ब्लॉग में, तो ये सो गया आराम से। ये एक बार उठा है बस, उसके बाद चू चू करके और हैरी के साथ आके आराम से सो गया, और हमें लगाया हुआ काम पे, क्योंकि हम तो प्लान डिसाइड चैलेंज डिसाइड कर चुके थे। ये तो इन जनाब से इनको कहते उल्लू, क्या हो गया रात को जाते ना उल्लू। कर रही है
भूल गया मैं मेल हूँ फीमेल। देखा ये है हमारे नाइट के रूटीन। ये जब से हमारा बफी आया ना तब से हमारे नाइट के रूटीन ये हो गया। एक्चुअली हम यूज्ड टू हो गए, हमें आदत हो गई है जागने की और वो आज सरप्राइजिंगली सो गया। समझ ही नहीं आई मुझे। लाइट भी नहीं है यार, लाइट चला नहीं सकते जो बच्चे जाग जाएंगे। नहीं अभी थोड़ी नींद में हो जाएंगे ना। जब नींद में हो जाएंगे फिर से चला लेंगे। चाय पियोगे? हाँ चाय बना दे। तेरे बच्चे जी, तेरे बच्चे जी हैं, तेरा खून पिए हैं, तू चाय बना दे यार। और तुम्हारा और तुम्हारा खून ना भी है और साथ में कुछ भूख लग गई है तो साथ में खिला दे। भूख बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी गैप में ही भूख लगती है आपको? भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है? बताओ जरा, चैलेंज हमने नाइट चैलेंज दिया है, मतलब काम हमें रात का है, उसमें भी इनको बार बार भूख लग रही है। बताओ। वो दूध पकड़ाओ, टेबल के नीचे रखा है मैंने। खराब तो नहीं हो गया होगा इतनी देर में? नहीं मौसम अभी वैसा ही है, खराब क्यों होगा। तो देखो गाइस हम इंडक्शन पे बनाने वाले चाय। इंडक्शन कर देते हैं ऑन, मैनुअल, ठीक है ना। तो फिर अभी चाय बना के मिलते हैं आपसे। जाग गया। बस इतनी देर सोना था इसने, जाग गया। हो गई शुरू। तो चक्की कौन पे? चुके हैं। कितना हो गया टाइम? मेरे को टाइम क्यों नहीं दिख रहा? शायद पौने पाँच हो गए। कहाँ पे चल, नया लगवा दूंगा कान। तो क्या हो गया? तो बेसिकली ये चैलेंज हम तीनों के लिए। वो तो आराम से सो गए हैं। वो तो सो गए हैं। इनका, मेरा और बफी का चैलेंज चल रहा है। वैसे तो हमारा इतना चैलेंज क्या दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि हमारा 3-4 दिन से यही रूटीन चल रहा है। ऐसे ही डेली यही वाला हो रहा है, यही ऐसा ही कुछ हो रहा है। सारे रात ऐसे बैठे रहते हैं बस चाय पीते रहते हैं। बैठे नहीं रहते, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। लेकिन हमने वो भी कर लिया ना साथ में, इन अ रूम कर लिया है ना, तो सिंगल रूम में स्पेंड करना मुश्किल है। अगर हम अपने रूम में होते ना बेड पे प्रॉपर, तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। मेरे लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम भी है। तो इस टाइम ना सबको ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। कोई मेरे को बैक प्रॉब्लम है, कोई मेरे को ना एक्चुअली ना प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है। आपको नहीं पता पे? मुझे बैठने की ज्यादा जरूरत है। बैठ बैठ के थकते नहीं हो? मेरी आंखें नहीं खुल रही, मत मेरे पास बार बार ले गया। चलो चाय पियो, आंखें खुलेंगी। चाय दे। कैसी बनी बताओ इंडक्शन पे चाय? तो भी ठीक ही बनेगी। कोई तंदूर पे थोड़ा ना बनाई है तूने? तो तंदूर समझ लो क्या हो गया यार, ये क्या इंसान है यार। दिख रहा है मुझे कैमरे में। पागल हो गए हम, पागल। गाइस आपको एक चीज सिखाता हूँ।
काफी और बड़े बड़े कानों वाले बफी अपने काम शुरू हो गया है, सोने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अब जाके टाइम इतना हो गया, 7:30 बज चुके हैं और अभी ये सोने नहीं दे रहा। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो क्या कर रहा है, ओए वो यहाँ चक्की डाल रहा है, उल्टी चक्की डाल दी, डाल दी, डाल दी, डाल दी। पर तो इसके टीथ इतने शार्प है ना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इसकी पिट्टी करूंगा मैं। इधर इधर, सोना नहीं सोना, एक मिनट दिखा दो सही। सोना नहीं सोना, सोना नहीं सोना, सोना नहीं सोना। तो रुको, सारी रात इसके साथ बैठे रहेंगे बस। ठीक है, ये देखो रात को शुरू हो जाता है ये खेलना, रात को शुरू हो जाता है और सुबह सारा दिन सोता रहता है। मैं भी कोई और बात ही नहीं कर रहा ना, बस एक ही बात बोलता जा रहा हूँ। मेरा दिमाग भी खराब हो गया यार। मैं बच्चों के लिए, इनके लिए कोई ऐसी कोई दवाई होती है जो ये सो जाए आराम से रात को, तो कमेंट्स में जरूर बताना मेरे। ओए तेरी यार, कमेंट्स में जरूर बताना कि रात को ये सोता नहीं है तो कौन सी दवाई दें इसको, ठीक है, जो आराम से सो जाए और सुबह खेल लीजिए हमारे साथ, हमारा भी रूटीन थोड़ा ठीक हो जाए। गाइस, हम सो रहे हैं, इनकी एडिटिंग खत्म हो गई है और बनी भी अब थोड़ा सा सेट है, तो हमने सोचा 2 घंटे सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखेंगे जो भी करना है। ये देखो सब सोए हुए हैं, पर मैं भी सोने लग गया हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, गाइस वैसे तो कुछ घंटे ही रह गए हैं टास्क कंप्लीट होने के लिए, लेकिन बच्चे काफी देर से उठे हुए हैं, भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए सैंडविच बना दूँ इंडक्शन पे, तो बस उसकी तैयारी करने वाले हैं। और पापा को उठाते हैं, इसके पापा भी सो रहे हैं बेचारे, काफी लेट सोए थे, पापा को उठाते हैं। यार सो रहे थे हैरी, यार कैसा लगा? गुड मॉर्निंग, आपको पता है हम चैलेंज में अभी भी, आपको पता है अभी हम चैलेंज में ही हैं। यार गुड मॉर्निंग, दूर हटा यार, एक मिनट रुक जा यार, विनीत उठो, पापा उठो, थोड़ी देर रह गई है, उसके बाद चैलेंज कंप्लीट करते, थोड़ा तो मजा करें। कोई नहीं, मुझे पता है आप सोए नहीं हो पूरी रात ढंग से, लेकिन अब उठ जाओ यार प्लीज। अभी गिर जाता है ये बेड से, तो बस 1-1.5 घंटा रह गए हमारा टास्क कम्प्लीट। नहीं अभी तो आज तो हम बहुत गंदे हैं, कोई ब्रश नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब भूख लग रही है, सैंडविचेस खाएंगे, सैनिटाइज कर लेंगे, लेकिन ब्रश अब बाद में ही करेंगे क्योंकि चैलेंज कंप्लीट करना है, छोटा सा है उसको कंप्लीट करना जरूरी है ना। तो चलो ये देखो, ये देखो हैरी ने बनाया सैंडविच। तो गाइस हमारा टास्क पूरा हो चुका है, ये देखो टाइम, हमने कंप्लीट कर लिया अपने टास्क, बहुत मजा आया, बहुत मेहनत लगी, बहुत हालत खराब भी हुई है, तो वो आपने देखा ही होगा। तो गाइस मजा आ गया, फर्स्ट टाइम हमने ये चैलेंज किया है और 12 आवर का किया है और कंप्लीट किए हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करना। गाइस इसमें कोई ये नहीं है कि इतना टाइम हमने नहीं किया, पूरा आपको टाइम दिखा दिखा के किया है कि हमने पहली बार फर्स्ट टाइम किया, और हमने यही था कि हम बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, पूरा करें, ठीक है। बच्चों ने भी पूरा ढंग से किया है, रात को इसी टाइम किया क्योंकि ये ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है इनके साथ, मॉर्निंग में बिल्कुल भी कोई घर पे आ रहा है या कुछ भी कर नहीं पाएंगे,
तो इसीलिए और हमारा नाइट का रूटीन आपको दिखाया कि ये होता है हमारे साथ रात को, ठीक है? ये बंदा है जो हमारी रात खराब कर देता है, ठीक है? छोटा यार अभी बच्चा है, ठीक है? वो तो करेगा, ठीक है? तो अपने बच्चे भी करते हैं, तो गाइस थैंक यू सो मच, लाइक करना, शेयर करना वीडियो जरूर, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। बाय बाय बाय।